मकतूल करार दी गई खातून जिंदा होने का इंकशाफ। घोटकी में 3 साल पहले पसंद की शादी करके घर बार छोड़ने वाली खातून के केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। सस्सी शेख अपने शौहर के साथ कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने गुज़िश्ता रात दोनों को हिरासत में ले लिया। खातून का कहना है कि पहले शौहर से तलाक के बाद वालदैन जबरदस्ती दूसरी शादी करवाना चाहते थे। मेरे मियाँ ने, पहले वाले ने मुझे तलाक दी थी, इसलिए मैं भाग के चले आई। मेरा बाप जो था दूसरे को दे रहा था। मैं अपने माँ बाप के भी घर से भागी हूँ और अपने मियाँ के भी घर से भागी हूँ। खातून के शौहर का कहना है कि सस्सी को अगवा नहीं किया, 3 साल पहले मर्जी से शादी की, जिसके बाद कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। 3 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैं उसके बाद इसको ले आया कराची में, कराची में लेके इसे निकाह शिकाह कर लिया था। 2016 में सस्सी के अहले खाना ने नहर से मिलने वाली एक लाश को सस्सी की लाश करार देकर शनाख्त भी कर लिया था। पुलिस ने वालदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को जेल पहुंचा दिया। तहम सस्सी की जिंदा मौजूदगी के बाद तमाम अफराद की रिहाई का इम्कान पैदा हो गया है। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची।